हेलो फ्रेंड, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस मेडिकल प्लस नेट चैनल में। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 का कराया गया था फ्रेंड, उसकी काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो काउंसलिंग होनी थी फ्रेंड वह स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिर राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग होनी थी फ्रेंड, उसकी जो लिंक जो है लिंक जो फ्रेंड वह एक्टिवेट हो चुका है, लिंक जो फिर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप जाके जो फिर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फिर इसके पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिर टोटल गवर्नमेंट कितने कॉलेज है फिर, उन कॉलेजों की फीस कितनी है, टोटल सीट कितनी है फिर, और उन कॉलेजों में कौन एडमिशन पा सकता है, मेल या फीमेल कैंडिडेट कौन एडमिशन पा सकते हैं। तो फिर सबसे पहले आप लोग को सर्च कर लेना है फिर आपको गूगल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो फिर ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा फिर आप लोग को यहाँ पर आना है फिर सीनेट 2023 काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स फोर ईयर सीट मैट्रिक्स। जब यहाँ पे आप आएंगे तो फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर देख लीजिए, हम यहाँ पे आप लोग को दिखा देना चाहते फिर कि टोटल यहाँ पे आप लोग को दिखा देना चाहते फिर कि टोटल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के कॉलेज कितने फिर, जितना आप लोग जूम करेंगे फिर उतना ही आपको सही दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर कॉलेज नेम दिया, फिर कॉलेज कोड यहाँ पे दिया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट दिया कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, फिर टाइप ऑफ मतलब कॉलेज कैसा गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट, यहाँ पे को एजुकेशन लिखा, फिर यहाँ पे फीस के बारे में और सीट के बारे में दिया कि मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं एक कॉलेज में। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। यह जो फिर एक प्रकार का गवर्नमेंट कॉलेज है। तो फिर यहाँ से देख लीजिए, एक से स्टार्ट करके हम आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं कि टोटल कितने कॉलेज हैं। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए 23 नंबर पे जो फिर लिस्ट जो है ख़त्म हो रहा है फिर गवर्नमेंट कॉलेज की। तो फिर जो लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट फिर झांसी में है, जो कि जो फिर महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी में है। यह जो फिर को एजुकेशन जहाँ पे जिस गवर्नमेंट कॉलेज के सामने अगर आपको जिस गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के सामने अगर को एजुकेशन लिखा गया फिर, तो उस कॉलेज में जो फिर बॉयज़ प्लस जो फिर फीमेल कैंडिडेट मतलब जो फिर फीमेल जो है गर्ल्स, ये दोनों जो एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में। तो फिर अगर को एजुकेशन लिखा गया तो इसका मतलब है कि इस कॉलेज में मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। अब इन कॉलेज में सीट कितनी है तो फिर इसको भी हम बता देना चाहते हैं फिर, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए फिर उसको बताने से पहले हम आप लोग को दिखा देना चाहते फिर, जैसे 24 नंबर से जो फिर BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुर लखनऊ सीतापुर में जो कि है फिर, या जो फिर प्राइवेट कॉलेज है, यह जो फिर सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो फिर उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि टोटल जो फिर प्राइवेट कॉलेज कितने और कॉलेज जो फिर किन के लिए। तो फिर यहाँ से देख लीजिए फीमेल के लिए स्टार्ट हो रहा है फिर, और प्राइवेट कॉलेज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर देख लीजिए टोटल जो फिर 38 नंबर तक जितने कॉलेज जो है फिर, ये जो फिर फीमेल के लिए हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद जो फिर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी जो फिर प्राइवेट कॉलेज लेकिन यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए अलग अलग कलर से अलग अलग पेज करके दिया गया है फिर, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कॉलेज जो फिर कौन फीमेल के लिए कौन मेल के लिए। तो अगर कोई एजुकेशन लिखा गया तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, अगर वहाँ पे जो फिर कोई एजुकेशन ना लिख के फीमेल लिखा गया फिर तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही, सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। तो फिर अब हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिर अलग अलग कॉलेजों में फीस कितनी है। तो फिर हम यहाँ पे जूम करते जा रहे हैं फिर आप लोग को देखते जाइएगा फिर। तो फिर जो फर्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट जो फिर जो कि ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में है जो फिर, जो कि इसमें जो टोटल अवेलेबल सीट है फिर वह 60 सीट है। बीएससी नर्सिंग के सेकंड वाले में भी 60 है, फिर थर्ड वाले में 40 है, फिर उसके बाद 60 है, फिर 60 है, फिर 40। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए फिर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल पल्स नीट को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिसको ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, फिर यहाँ पे देख लीजिए टोटल फीस यहाँ पे भी दिया, फिर मॉनिटरी सीट कितनी है, फिर टोटल सीट कितनी है, फिर यहाँ पे देख लीजिए ईयरली ट्यूशन फी कितना है आपका। तो यहाँ पे ईयरली ट्यूशन फी दिया गया, फिर यहाँ पे टोटल सीट दिया, फिर यहाँ पे ईयरली क्लिनिकल फी दिया गया, फिर यहाँ पे देख लीजिए ईयरली लाइब्रेरी फी, ईयरली यूनिफॉर्म फी, ईयरली स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन चार्जेस यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर ईयरली ट्यूशन फी, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी फी कितना दिया, फिर तो सिक्योरिटी फी 10,000 है, फिर यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी दिया, फिर यस मतलब हॉस्टल है कि नहीं है फिर उस कॉलेज में, अगर उस कॉलेज में हॉस्टल तो यहाँ पे यस लिखा होगा, अगर नहीं होगा फिर तो यहाँ पे नो लिखा होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर आप लोग की जो टोटल फीस दी है फिर कितना है। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे नॉन एसी चार्ज, ईयरली चार्ज फॉर हॉस्टल फूडिंग, ईयरली माइसेलन ये ग्रैंड टोटल ऑफ ईयरली फी, फिर यहाँ पे देख लीजिए फिर टोटल फी कितना दिया, फिर चारों साल के लिए आपके कोर्स के जो मतलब चार साल 6 महीने का कोर्स होगा फिर उसका जो टोटल फी है यहाँ पे दिया गया है। तो फिर आप लोग जो फिर अलग अलग तरीके से इसको जूम करके देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए कॉलेज दिए गए फिर जितना ही आप जूम करेंगे फिर उतना ही आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए अलग अलग कॉलेज दिए गए फिर, तो आप लोग जो फिर इस PDF को प्राप्त करके आप लोग जो फिर डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो फिर अगर हम आप लोग को बताएंगे एक एक कॉलेज का तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग को थोड़ा देखने में भी इरिटेट लगेगा, मतलब जो फिर आप लोग को थोड़ा जो फिर बोरिंग महसूस होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर
अलग अलग कॉलेज में मतलब टोटल फी कितनी है यहाँ पे देख लीजिए फिर दिया गया है। तो फिर अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा फिर तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिर मेडिकल पल्स में। तो फिर मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हर एक नए अपडेट के साथ। हम मिलते हैं आपके लिए लेके फिर एक न्यू वीडियो में। फिर तो फिर मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड अगर आप लोग को KGME और राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का अगर प्रीवियस ईयर काउंसलिंग रैंक देखना हो, जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे 2022 में उनका रैंक कितना था, जिनको एडमिशन मिला था, तो हमारे चैनल पर जाएंगे फिर वहाँ पे हमने वीडियो बना के रखा, फिर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।